नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलेकुम, प्रेस द लॉर्ड। तो स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल होटली लेजेंड में। तो आज हम फिर से कुछ नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। इसके पहले वाली वीडियो में हम डार्क वेब के बारे में कुछ चर्चे किए थे और वो शायद एक हाथी के सामने चिटी के बराबर था। तो अगर आपको पता नहीं है कि डार्क वेब क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, तो आप हमारा पहला वीडियो जाके जरूर देखें। फिर भी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा कोना होता है जो कि आम इंसानों से छिपा हुआ है। इंटरनेट का ज्यादातर हिस्सा करीब 94% हम नहीं देख सकते। वह क्या होता है, क्यों वो इतना खतरनाक होता है, ऐसे क्या होता है उस 95% में कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता। हम सिर्फ 5% इंटरनेट में पूरा जिंदगी खत्म कर देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वही डार्क वेब के बारे में, फिर से कुछ नई जानकारी के साथ। डार्क वेब आया कहाँ से, कौन थे इसे बनाने वाले? तो कहानी शुरू होती है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से, अमेरिका के एक नेवल रिसर्च लेबोरेटरी से। पॉल साइवसन, मिशेल रीड एंड डेविड गोल्डश्लाग जो कि लेबोरेटरी का एम्प्लॉय हुआ करते थे, अमेरिका की नावी इंटेलिजेंस एजेंट जो कि अमेरिका की जासूस होते हैं, बाहर देश में रहकर जासूसी करते हैं अमेरिका के लिए। तो उनके इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए उनके और अमेरिका गवर्नमेंट के बीच एक सीक्रेट माध्यम बनाने के लिए लेबोरेटरी में बनाया गया एक प्रोजेक्ट जो कि एक सॉफ्टवेयर था जिसका नाम था TOR, द ऑनियन राउटर। तर एक ऐसा ब्राउजर था जो कि आपकी पहचान को, आपकी आइडेंटिटी को ऑनियन यानी कि एक प्याज के तरह बहुत सारे लेयर के अंदर छुपा सकता था, जिसका तोड़ शायद इसी को बनाने वाले के सिवा और किसी के पास भी नहीं था। इसीलिए कोई भी किसी को ट्रैक नहीं कर सकता था, कौन क्या कर रहा है, कहां से कर रहा है, किसी को पता नहीं था। पर तभी यह सिर्फ मिलिट्री के लिए यूज हुआ करता था, लेकिन बाद में जब देखा गया बहुत अच्छी चीज है जहां प्राइवेसी 100 गुना हो जाती है। तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने बोला कि प्राइवेसी रहना हर नागरिक को अधिकार है और प्राइवेसी के नाम में ये सबको परोस दिया गया, क्योंकि जब हम सरफेस वेब में विजिट करते हैं, सरफेस वेब यानी जो चीज हम और आम इंसान हर दिन यूज करता है, गूगल में सर्च करना, सोशल मीडिया चलाना, वेबसाइट विजिट करना, विकिपीडिया, नेट बैंकिंग, ब्लॉग्स, यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं, तो हम गूगल और क्रोम के माध्यम से करते हैं। लोग होते हैं कोई और ब्राउजर यूज करते हैं, लेकिन जो भी हम करते हैं हमारे ऊपर 24 घंटे नजर रखा जाता है, गवर्नमेंट की हो या फिर किसी थर्ड पार्टी की, हमारा हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है, हम कब, क्या, कैसे, कहाँ, कितनी देर कर रहे हैं, सब कुछ नजर रखा जाता है। लेकिन तर एक ऐसा ब्राउजर था जो कि किसी को भी, इसकी गवर्नमेंट को भी अलाउ नहीं करती किसी के ऊपर नजर रखने को, अगर कोई चाहे तो भी वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्राउजर आपकी आइडेंटिटी और आपकी लोकेशन को बार बार चेंज करता रहता है, जिसके कारण कोई भी किसी को ट्रेस नहीं कर सकता, और इसके दौरान अभी तर हर इंसान यूज कर सकता था। तो ये था एक कहानी द ऑनियन रूटर की, और एक कहानी शुरू होती है 1969 से, जब अर्पानेट के द्वारा दुनिया की पहली मैसेज भेजा गया था एक इंसान से दूसरी इंसान को। अर्पानेट एक शुरुआती पीढ़ी है इंटरनेट का, जहां हम एनोनिमसली किसी को मैसेज भेज सकते थे। एक डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट यानी कि डरपा के द्वारा इन्वेंट किया गया अर्पानेट, जो कि शुरुआत में मिलिट्री के लिए बनी थी, पर बाद में इसको भी प्राइवेसी के नाम में सबको दे दिया गया। अब ये एक ऐसा वक्त था जहां लोगों के पास इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा था जहां कोई किसी को देख नहीं सकता, और उस हिस्से को जाने के लिए और वहां विजिट करने के लिए भी उनके पास एक ऐसा माध्यम यानी कि ऐसा ब्राउजर था जो कि टर था, जहां कोई नहीं जान सकता कि कौन कहां जा रहा है। तो कहानी में ट्विस्ट आता है जब कुछ लोग ने सोचा कि क्यों ना इसका गलत इस्तेमाल किया जाए, तो लोगों ने इसके अंदर गलत काम करना शुरू कर दिया, अजीब अजीब चीज बेचने लगे, गुनाह की साध्यंत्र रचने लगे, बहुत घिनौना काम करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसका नाम है डार्क वेब। खैर, ये तो सिर्फ शुरुआत था, एक ट्रेलर की तरह, लेकिन इस ट्रेलर में एक नहीं अनेक सिनेमा थे जो कि हम आगे चर्चे करेंगे। तो आज के लिए बस इतने ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।